नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आप देख रहे हैं भक्ति टॉप 20, जिसमें दिखाते हैं हम धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्थित दाऊ जी मंदिर का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम केदारनाथ का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने वाली टीम करेगी। ऐसे में हाथरस का दाऊ जी मंदिर भी आकर्षक स्वरूप में विकसित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कासगंज के सोरंजी को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। यहाँ हर की पौड़ी, सूर्य कुंड, भागीरथी गुफा पौराणिक महत्व के स्थल हैं। वहीं माँ गंगा भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इससे क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन को पंख लगेंगे। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में आज से माँ अन्नपूर्णा के स्वर्णिम स्वरूप के दर्शन होंगे। माता के इस स्वरूप के दर्शन 5 नवंबर यानी कि अन्नकूट पर्व तक होंगे। राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद है कि 2023 के अंत तक रामलला के मंदिर के गर्भगृह का काम पूरी तरह से बन जाएगा। इसके बाद 2024 की शुरुआत से आम श्रद्धालु वहां रामलला के दर्शन कर सकेंगे। 10 नवंबर से विदिशा मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्री भक्तमाल कथा। 13 नवंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों को भक्त और भगवान की महिमा से कराएंगे अवगत। 24 नवंबर से भटवारी उत्तरकाशी में आरंभ होगी श्रीमद देवी भागवत कथा। 2 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पंडित सुरेश नौटियाल जी लोगों को देवी मां के विभिन्न स्वरूप और उनकी महिमा से कराएंगे अवगत। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 भव्य द्वार बनाए गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की इस पहल पर शासन ने भी अपनी मोहर लगा दी है। इन चारों द्वार के नाम चारों वेदों के नाम पर रखने पर विचार किया जा रहा है। 6 नवंबर से जयपुर के विद्याधर नगर में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 12 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज भक्तों को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। लखनऊ में आज से 5 नवंबर तक दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला लखनऊ महोत्सव की तर्ज पर होगा। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में अब हर भक्त को निशुल्क प्रसाद मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को चढ़ने वाला प्रसाद शाम की आरती और भोग के बाद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड स्थित 4 धाम के मंदिरों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम, 6 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि बद्री विशाल के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। भगवान राम मंदिर के अकाउंट का पूरा कामकाज अब ट्रस्ट के बजाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS देखेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अभी तक राम मंदिर के हिसाब किताब का सारा कार्य राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रखा जाता था। श्रीधाम वृंदावन में 7 नवंबर से शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 15 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज श्रद्धालुओं को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। 6 नवंबर से जोधपुर में नानी बाई का मायरा कथा प्रारंभ होगी। 9 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का कराएंगे रसपान। पंजाब के पटियाला में स्थित है मां काली का अनोखा मंदिर। करीब 200 साल पुराने इस मंदिर में दर्शन करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। यहां न सिर्फ पटियाला बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब दिल्ली के बुजुर्ग मुफ्त में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इस धर्म यात्रा में वो अपने साथ परिवार के एक सदस्य को भी ले जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने विशेष कैबिनेट बैठक में तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल किया है। इस बार अयोध्या और मथुरा की दीपावली में भोपाल का भी अहम योगदान रहने वाला है। भोपाल के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 15 लाख इको फ्रेंडली दिए बनाए हैं, जिसका उपयोग दीपोत्सव में किया जाएगा। बिहार में मधेपुरा के रामनगर महेश में स्थित काली मंदिर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां काली के इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है।
19 नवंबर से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 27 नवंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की देंगे प्रेरणा। कैची धाम आश्रम का महाप्रसाद मालपुआ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणित होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद महाप्रसाद को प्रमाणित करेगा। तो ये तो थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।